What is your take on nepotism? Do you think it exists in this industry? What do you want to say? Yeah, well, I would be lying if I say that it doesn't exist. But you know, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बोलूँगी कि जो लोगों को नहीं पता. Obviously, जो भी मैं बोलूँगी सबको already पता है. और everyone knows that from outsiders, you know, it is kind of difficult to break in. But इसका solution यही है कि जो outsiders होते हैं उनको great scripts दी जाए और अच्छे roles दी जाए. That is very important. Because ये nepotism का दौर चल रहा है and इसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं. So I just want to know your take on it. मैं अपने को बहुत ज़्यादा लकी और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे फिर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली शुरुआत से ही, क्योंकि यू नो आई मीन आई थिंक आई'd लाइक टू थैंक माय बैकग्राउंड आल्सो, बिकॉज मैंने जो आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्यूचर टाइटल्स इन एंटायर फैशन हिस्ट्री. यू नो इकलौती ऐसी लड़की जिसने टू टाइम्स मिस यूनिवर्स इंडिया जीता है हिस्ट्री में. And then I won Miss Tourism. I became the first Indian to win Miss Tourism World in China and Miss Asia Supermodel in Korea, South Korea. So I think, you know, in the titles se mujhe kahin na kahin kind of really helped me. Aur meri pehli film jo thi, you know, it fell onto my lap. Maine kuch uske liye koi test fest nahi kiya tha. Automatically mere paas chal ke aayi wo film. So it was opposite Superstar Sunday also. I think itni badi opportunity milna wo bhi shuruaat se hi, aur abhi tak maine sare top banners ke sange kaam kiya hai. चाहे वो यू नो बालाजी टेलीफिल्म्स हो या टी सीरीज हो या फिर जी स्टूडियोज हो, दे ऑल आर टॉप बैनर्स. तो आई थिंक और इतने अच्छे एक्टर्स के संग काम किया है, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, सनी देओल. सो आई थिंक द जर्नी हैज बीन वेरी फ्रूटफुल एंड मैंने काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स के संग भी काम किया है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन. आई थिंक जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मिला है. तो आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी.